और आज मुलायम के गढ़ में मोदी के गरजने की बारी थी। यूपी के इटावा में मोदी आज पूरे रंग में दिखे। मोदी ने इटावा में बलात्कारियों पर दिए गए मुलायम के बयान के लिए उन्हें घेरा। मोदी ने कहा कि जिन मुद्दों पर मुलायम को कठोर होना चाहिए उस पर मुलायम होते हैं और जिन पर मुलायम होना चाहिए उन पर कठोर होते हैं। मोदी ने यूपी के दंगे पर भी मुलायम को घेरा। अब तो हवा का रुख पहचान लो, लेकिन हमारे नेताजी का एक प्रॉब्लम है। उनकी कठिनाई ये है कि जहां उनको मुलायम होना चाहिए वहां वो कठोर हो जाते हैं, जहां उनको कठोर होना चाहिए वहां वो मुलायम हो जाते हैं। अगर हमारे बहन बेटियों की कोई इज्जत ले, हमारी बेटियों पर कोई बलात्कार करे तो उन बलात्कारियों के प्रति कठोर होना चाहिए, लेकिन नेताजी मुलायम होंगे। यहां कौमी दंगे हुए, ठंड के अंदर रिलीफ कैंप पे छोटे छोटे बच्चे मर रहे थे, उस समय नेताजी को मुलायम होना चाहिए था। भाइयों बहनों, कोरोना से उन बच्चों की जिंदगी की चिंता करनी चाहिए, लेकिन वो नहीं कर पाए। भाइयों बहनों, देश की राजनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। आप देखिए भाइयों, मैं कभी कभी यहां के मुख्यमंत्री जी को कहता हूं कि भाई आपने गुजरात से शेर तो मांगा, हमने दिया भी, और वो व्यवहार से बुरा नहीं है, लेकिन मुझे अच्छा लगता कि वे शेर के साथ साथ गुजरात के गीर की गाय भी मांग लेते हैं।